बताएं आत्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसको भी जरूर देखें। दो साल पहले हमने सिद्धांतिक तौर पर आपको बताया था कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीजों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज 2021 के अंदर मैं आपको सुबह से शाम तक का डाइट प्लान बता रहा हूँ। इसको अगर हम फॉलो कर लें तो होने वाली संतान की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आपको उनके साथ में जो माता है उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और होने वाली संतान के अंदर भी बराबर ताकत जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें प्रेगनेंसी के अंदर ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत समझिए, प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत बार देखा गया जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब बच्चे के लिए हम बच्चे को क्या खिलाएं। जब बच्चा जन्म ले चुका है तो पहले 2 साल तक उसकी डाइट ही नहीं है कि आप उसको कुछ खिला सकें। फोकस करना चाहिए माँ पर और हम सोचते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज है। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से 1 साल पहले अपने शरीर के ऊपर, अपने मानसिक संतुलन के ऊपर, इन सब के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आज के समय में 99% लड़कियां जो प्रेग्नेंट हो रही हैं वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं है। शरीर में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। इस हालत के अंदर आप जब विटामिन्स की सबकी कमी है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कंसीव हो जाते हैं, तो लॉजिकल चीज समझिए उस 9 महीने के अंदर कैसे आपके शरीर के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर से ही तो बच्चे तक ताकत जानी है। तो आप सोचते हैं नॉर्मल हम खाना खाते रहे, पहले शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स आयरन कैल्शियम सब कुछ कम है, प्रेगनेंसी के दौरान अब बच्चा भी डेवलप हो रहा है उसको भी डाइट चाहिए, डाइट आपकी ज्यादा है नहीं, वर्जिश हम एक्सरसाइज करते नहीं, तो बच्चे तक और माँ तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे? और जितनी चीजें हम खिला रहे हैं उनकी ताकत आज के समय पे मिलावटी चीजों की वजह से हमने 50% कर दी है। प्रेगनेंसी से 1 साल पहले आप वो रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और प्रेगनेंसी में जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक इस रूटीन को हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि होने वाला जो संतान है, होने वाली संतान, वो हर्ष पुष्ट हो। डाइट प्लान समझते हैं हमें करना क्या है। सुबह उठना है, तांबे का लोटा या तांबे का जग रहे, इसमें रात भर पानी रखा रहे, इसमें चांदी का सिक्का डाल दें। केवल अगर ठंड का मौसम है, जब सर्दियों का मौसम है, तब केवल आप चांदी के सिक्के को हल्का अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो अगर डाल भी देंगे तो कोई इतनी समस्या की बात नहीं है। उसमें 2 चांदी के सिक्के डाल दीजिए, जो तांबे का लोटा है इसमें रात भर पानी रखिए, सुबह उठकर इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में गर्म करके आराम आराम से पीना है। पूरी रात इस पानी के अंदर चांदी और तांबा ये रिलीज होता है। जब सुबह होने वाली माँ या जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो जब इसको पीती है तो उसके शरीर के अंदर नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल एक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेचुरल तरीके से हम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो तांबे का लोटा, इसके अंदर रखे हुए चांदी के सिक्के ठंडी तासीर के होते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन को हम गर्म चीजें नहीं दे सकते, तो इसीलिए तांबा जो होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रल से हल्का गर्म तासीर है। थोड़ी आपने उसमें चांदी डाल दी, तासीर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, अब आप पी सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड का मौसम हो तो चांदी को अवॉइड करें, अदरवाइज आप 12 में से 9 महीने अगर उत्तरी भारत में है तो आप तांबे के अंदर चांदी का सिक्का डालकर जरूर पिए। ये सुबह आपको पानी गर्म करके आराम से बैठकर सिप कर करके पीना है। इसके बाद जो माँ है वो फ्रेश होने के लिए गए, आने के बाद में 2 औषधियों के आपको नाम बता रहा हूं, आंवला और गिलोय। हमारे घर में जब गर्भवती थी महिला, गृहिणी जब गर्भवती थी, 9 महीने हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। आंवला गिलोय मैंने अपने परिवार के अंदर पिलाया है। कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स हजारों मिल सकती हैं, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, दवाइयां खा खा के हमने अपने शरीर को खराब कर लिया है। होने वाली संतान जो आगे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जब आपने शरीर में कुछ डाला ही नहीं, ताकत कहाँ से आएगी? मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ, हमारे घर में जब बच्ची संतान पैदा हुई है हमें उसकी इम्यूनिटी पहले दिन से देखने के अंदर थोड़ी बेटर मिल रही है। और शायद मुझे ये लगता है कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने प्रेगनेंसी में आंवला और गिलोय इन दोनों का मिश्रण सुबह खाली पेट गर्भवती महिला को पिलाया, लगातार 9 महीने पिलाया। तो आंवला ठंडी तासीर का होता है, गिलोय हल्की गर्म तासीर का होता है, दोनों का एक एक ढक्कन अगर मिक्स कर दें तो जो जूस बना, ये जूस सुबह खाली पेट माँ को पिलाना चाहिए। प्रेगनेंसी से 1 साल पहले शुरू कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ की इम्यूनिटी लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। इससे माँ को भी प्रेगनेंसी के दौरान बुखार, सर्दी, जुकाम होने के चांसेस कम है और होने वाली संतान की इम्यूनिटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के अंदर ही पल रहा है। तो ये आंवला गिलोय का कॉम्बिनेशन जब मैंने ये रिसर्च करी,
जब देखा कि कौन सी औषधियां हैं जो सेफेस्ट में आती हैं, क्योंकि तुलसी भी सेफेस्ट नहीं मानी जाती अगर प्रेगनेंसी की बात करें। मैं आपको बता दूं, तुलसी की तासीर थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है गिलोय के मुकाबले, इसीलिए कई बार प्रेगनेंसी में सूट नहीं करती। तो आंवला और गिलोय हमने चुनकर देखा, तो ये ऐसी औषधियों के दो नाम आए जिसको हम प्रेगनेंसी तक में दे सकें, काफी हद तक सेफ है। जैसा मैंने बताया, लोगों की अपनी ओपिनियन है, हो सकता है कंट्रोवर्सी हो तो चेक करने के बाद ही ले। और प्रेगनेंसी के अंदर जब हम वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको फिर दोबारा बीच में बता दूं, कृपया करके इन सारी चीजों को आप अपने स्तर पर चेक करके ही यूज करें। प्रेगनेंसी के ऊपर लोग वीडियोस नहीं बनाते, दुनिया गाइड नहीं करती, क्योंकि गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही, इसीलिए मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा चल रही है। तो मैं जो अपना अनुभव रहा है 9 महीने का, उसको आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसकी पुष्टि करने के बाद में आप चीजों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में ये होता है देसी गाय के दूध से बना हुआ कोलोस्ट्रम, देसी गाय के दूध की बनी हुई खीस। मेरी किसी भी वीडियो के अंदर आप इसका प्रचार नहीं देखेंगे। ये क्या चीज होती है? जब देसी गाय हमारी माँ है घर में, देसी गाय दूसरी सबसे पूजे गऊ माता हमारी, गऊ माता का जब दूध निकलता है, जब वो डिलीवरी करती है बच्चे को, तो पहले 3 दिन का जो दूध होता है उसको हिंदी भाषा में खीस बोला जाता है, अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। बहुत कीमती चीज होती है, देश के अंदर इतनी भरपूर नहीं होती। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये अगर हम देसी गाय के दूध की खीस जब गाय बच्चा डिलीवर करती होती है, अगर उसी वक्त हम फ्रेश खा लें, तो ये शरीर के अंदर जबरदस्त प्रोटीन लेकर आ सकती है। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ये, ज़्यादातर हम एथलेटिक्स एथलीट्स जो होते हैं उनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो तक ये पूरी कर सकता है, इतना ताकतवर दूध होता है ये जिससे ये बनाया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज भरपूर होती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। वाक्षी इसका प्रचार क्यों नहीं करती? ताकि गौ माता का शोषण शुरू ना हो जाए। हालांकि जिस गौशाला से हम मंगवाते हैं वो गौशाला बहुत अच्छी है, वहां पे हमें पूरा विश्वास है, वो इसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेगी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये उसी उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिसको इनकी जरूरत है। दो तरह के लोगों को पुष्टि करने के बाद ही हम देते हैं, या तो प्रेगनेंसी में अगर किसी को देनी हो, माँ दूध अगर पिला रही हो लैक्टेशन के दौरान, तब हम देते हैं। कोई छोटे बच्चों के अंदर हमें लगता है कि अगर उसको इमीडिएट जरूरत है, प्रोटीन की ताकत की जरूरत है, तब हम उसे दे सकते हैं। और या फिर जिनको पेट से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा है और शरीर में ताकत नहीं पहुंच रही, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज सेफ बहुत है, हर कोई इंसान इस्तेमाल कर सकता है। देसी काउ कोलेस्ट्रम के नाम से आप इसको सर्च करिए इंटरनेट पर, आपको इसकी ताकत का पता चल जाएगा। ऐसी चीज वो माता ले सकती हैं जिनको लगता है कि शरीर के अंदर ताकत ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का और एंटीबॉडीज का बहुत बड़ा सोर्स है, अच्छा सोर्स है। थोड़ी मात्रा में जो है इसका सेवन करके शरीर में ताकत पहुंचाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है वो ये कि आयरन और कैल्शियम को पूरा करना है। आयरन और कैल्शियम, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, 9 महीने तक मैंने मोरिंगा दिया, जो मोरिंगा सहजन जो है, जिसमें कहा जाता है 7-8 गुने तक आयरन कैल्शियम, आयरन जो है वो स्पिनेच के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होता है, कैल्शियम दूध और दही के मुकाबले 7-8 गुना इसके अंदर होता है मोरिंगा के अंदर, सहजन की पत्तियों का पाउडर में। माँ को प्रेगनेंसी के दौरान इतना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप मोरिंगा भी दे रहे हैं तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। 10 के हीमोग्लोबिन के लेवल के ऊपर जो था मैं मेंटेन करने में कामयाब हुआ था, और वो तब था जब मैंने प्रेगनेंसी के पहले दिन से मोरिंगा का सेवन थोड़ा थोड़ा शुरू करवा दिया था। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, अगर हम कंसीव कर रहे हैं तो 1 साल पहले से मोरिंगा का सेवन शुरू करिए, ताकि जब आप प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हो तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम 11-12 तक हों। हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ाने के लिए मोरिंगा और व्हीट ग्रास, ये दो सबसे अच्छी प्राकृतिक चीजें हैं। यूज कैसे करनी है प्रेगनेंसी से जब आप पहले हो, अब ये देखिए ये एक अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं शहद, हनी। तो हनी के अंदर क्या मामला है, प्रेगनेंसी के दौरान आप हनी नहीं दे सकते, हनी की तासीर गर्म है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब बच्चा आ गया है गर्भ में, तब उस समय के बाद में आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी तासीर गर्म हो। गिलोय की तासीर हल्की सी गर्म है, इसीलिए उसको आंवला के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। अगर आप अकेले गिलोय लेंगे तो ये शरीर के लिए शायद अच्छा ना माना जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। गर्भ को हानि हो सकती है अगर हम गर्म तासीर की चीजें देंगे किसी लिए, इसीलिए नॉन वेज को भी रोक देना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि उसमें इनहेरेंट तासीर जो होती है वो गर्म होती है। शहद, शहद जो होता है, अगर आप प्रेगनेंसी से 1 साल पहले की बात कर रहे हो, या प्रेगनेंसी के बाद जब माँ दूध पिला रही है, लैक्टेशन का पीरियड है, तब बात कर रहे हो, तब तो शहद के साथ मोरिंगा मिक्स करके ले सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान आप पहले महीने से 7वें महीने तक शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मोरिंगा आप इस्तेमाल करेंगे कैसे, क्योंकि खाने में थोड़ा कड़वा होता है, व्हीट ग्रास और मोरिंगा ये दो चीजें हैं।
वीट ग्रास खाने में इतना कड़वा नहीं होता, आधा चम्मच है पानी के साथ में आपने हर रोज लेना शुरू कर दिया। एक बारी में मोरिंगा या वीट ग्रास के आधे चम्मच से ऊपर पाउडर ना लें, आप पचा नहीं पाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आधा चम्मच आपने वीट ग्रास थोड़ा पानी के साथ में ले लिया। वीट ग्रास लेने से 98 से ज्यादा मिनरल्स प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में चले जाएंगे। मोरिंगा अगर आप लेते हैं तो मोरिंगा क्योंकि खाने में थोड़ा कड़वा होता है, तो इसीलिए या तो अपने आटे के अंदर जो रोटी आपकी बन रही है उसमें थोड़ी थोड़ी चुटकी मोरिंगा की डालते रहे, और वो रोटी का अगर आप खाते हैं तो शरीर में थोड़ा थोड़ा मोरिंगा जाता है। नहीं तो जैसा मैंने बताया प्रेगनेंसी से एक साल पहले शुरू कर लोगे तो शहद के साथ मिक्स कर लोगे तो आराम से इसका एक दो चम्मच आप हर रोज खा सकते हो। अभी एक वीडियो और आपको हमारे चैनल पे मिलेगी जिसमें हम बता रहे हैं होममेड च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है, उसमें मोरिंगा का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो वो चीज भी आप देख सकते हो, वो प्रेगनेंसी से पहले जो आप बनाना शुरू कर सकते हो। लेकिन मोरिंगा और वीट ग्रास इसका इस्तेमाल जरूर करना है। वीट ग्रास जब भी खाएंगे तो ध्यान रखना है 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में कुछ और नहीं खाना। मोरिंगा आप खाने के साथ भी थोड़ा सा खा सकते हैं। जिनको लगता है मोरिंगा का पाउडर नहीं खाया जा रहा किसी वजह से, छोड़िए मत, मोरिंगा के कैप्सूल्स लीजिए ऑर्गेनिक स्टोर से, लेकिन मोरिंगा शरीर में पहुंचाइए किसी भी तरीके से। अगर आपको लगता है कि किसी भी वजह से मोरिंगा है या मोरिंगा पाउडर है ये तो हमने ले लिया, शरीर के विटामिन मिनरल्स और बढ़ाने हैं, आयरन हमारा कम ना हो जाए, ऐसे आयरन कैप्सूल्स हैं, ऑर्गेनिक स्टोर से लेने की कोशिश करिए ताकि थोड़े नेचुरल तत्वों से आयरन पहुंचने की कोशिश हो। मल्टी विटामिन कैप्सूल्स जो है उनका इस्तेमाल करना है। दो तरह के मल्टी विटामिन कैप्सूल्स हमने चूज करें, एक ये मल्टी विटामिन कैप्सूल्स आपको मिल रहे हैं जिसके अंदर मिश्रण है नेचुरल चीजों का भी, और जो कंपाउंड हमें जैसे एलोपैथिक दवाई में मिलते हैं उस तरह का मिश्रित मिक्स मल्टी विटामिन कैप्सूल हमने चूज किया है जिससे आपकी विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अगर आप मल्टी विटामिन मंगवाते हैं। नहीं तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक कंपनी आती है न्यूट्रलाइट, न्यूट्रलाइट कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रलाइट डेली, उसमें सारे सब्जी और फ्रूट्स से ही विटामिन निकाले जाते हैं। ऐसे मल्टी विटामिन जो 100% ऑर्गेनिक हो और सब्जी फ्रूट से निकाले गए हो ऐसे प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शरीर में विटामिन मिनरल्स को पूरा करने के लिए। बाजार के विटामिन मिनरल्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जब प्रेगनेंसी है तब आपकी मजबूरी है क्योंकि नहीं तो विटामिन के मिनरल्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी से पहले 1 साल पहले तैयार कर लो तो नेचुरल तरीके से ही विटामिन मिनरल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो शरीर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये है लोहे की कढ़ाई, घर में प्रेगनेंसी से 1 साल पहले ही खाना जब बनना शुरू हो जाए तो लोहे की कढ़ाई में आज से ही आदत डाल लो। अगर ये वीडियो देख रहे हो दोपहर की सब्जी आपकी लोहे की कढ़ाई में ही बननी चाहिए, इस कढ़ाई के अंदर खाना बनेगा लेकिन रखा नहीं जाएगा। कढ़ाई के अंदर सब्जी आपने बनाई, बनाने के बाद में आपने किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दी। जिस घर के अंदर ये कढ़ाई हर रोज इस्तेमाल होती है वहां पर आयरन की डेफिशिएंसी बच्चों में नहीं होती, तो आज से ही शुरू कर लीजिए, आपके लिए लाभदायक है। इसके बाद में आता है ये कैमल मिल्क पाउडर, ऊंटनी का दूध, किन लोगों के लिए लाभदायक है, ये लैक्टेशन में ज्यादा काम आएगा ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। जब बच्चों को आज जो आप डब्बा बंद दूध पिला रहे हैं उसकी जगह पे ये एक नेचुरल चीज होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब हमारे पास में लैक्टेशन की वीडियो बनेगी तब हम आपको कैमल मिल्क पाउडर के बारे में बताएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जितनी चीजें ढंग से आप लोग इस्तेमाल कर सकते थे उसके बारे में मैंने बताया है। अगर माँ को कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी के दौरान 2 कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली कई बार देखी गई हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो क्या चीज इस्तेमाल कर सकती है? त्रिफला नहीं इस्तेमाल कर सकते, कायम चूर्ण नहीं इस्तेमाल कर सकते, इनका इस्तेमाल वर्जित हो जाता है। एलोवेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एलोवेरा की तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? गुलकंद का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद में सौंफ और मिश्री को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, गुलकंद की तासीर ठंडी, सौंफ और मिश्री की तासीर ठंडी, चबा चबा के खाओगे तो इससे। रात को देसी गाय का दूध ले लो, उसमें 1-2 चम्मच गुलकंद डाल के मिक्स कर लो, ये दूध पी सकते हो आप। अगर भरी गर्मी हो मई जून जुलाई की तब आपके शरीर में गर्मी, जब बच्चा होता है गर्म में तो माँ का शरीर गर्म होता है, उस समय पर आप जो गाय का दूध होता है देसी गाय का दूध उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच गुलकंद, अच्छा सा ऑर्गेनिक गुलकंद लाइए, उसको अच्छे से मिक्स करके ऐसा शेक रात को पी के सो सकते हो, शरीर के लिए अच्छा है। आप कहेंगे बहुत सारी ऐसी फिल्मों में दिखाया गया कि केसर वाला दूध पीना चाहिए, केसर वाला दूध या हल्दी वाला दूध केवल 8वें महीने के अंदर ही पिया जाता है। 8वां और 9वां महीना होता है जब गर्भ में बच्चा जो है वो पूरा डेवलप हो जाता है, उस समय पे आप हल्की गर्म तासीर की चीज दे सकते हैं, लेकिन पहले 7 महीने में आप केसर वाला दूध और हल्दी वाला दूध माँ को नहीं पिला सकते, तो क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो अगर कब्ज हो जाए तो क्या करना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो रह गई और जो मुझे आपको बतानी थी, वो है मिलेट्स, बैनयार्ड मिलेट, सामक, इसका दलिया, पानी वाला दलिया बनाइए, इसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालिए,
ऐसा दलिया जितना पिएंगे आप प्रेगनेंसी में, आपके लिए ये परम हितकारी होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिलेट का दलिया अकेली ऐसी चीज है, और मिलेट में भी सावक बैनयार्ड मिलेट, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म नहीं होती। तो बैनयार्ड मिलेट सावक का दलिया अगर आप बनाते हैं बढ़िया अपने घर के अंदर, सब्जी डालिए, दाल डालिए अच्छे से कम दिन में, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, रात के समय पे तो जरूर ऐसा दलिया पीना चाहिए। अगर आप ये मिलेट का दलिया पी लेते हैं, एक बार मिलेट एक दिखा देना, बैनयार्ड मिलेट का मेरे को पकड़ा देना, बैनयार्ड मिलेट का दलिया अगर पानी वाला जो है वो आप अच्छे से मिक्स करते हैं, और शुद्ध देसी गाय का, ये देखिए ये है बैनयार्ड मिलेट का पैकेट, ये इस तरह के मिलेट्स जो होते हैं, सावक होता है, इसको पानी वाला बनाकर इसमें शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी, गौशाला में जाइए बोलिए देसी गाय होनी चाहिए और इसका बना हुआ हाथ से मथा हुआ घी मिले, चलो मशीन से भी मत के मिल जाए लेकिन बिलोना घी अपने को मिले नोनी मक्खन वाला, वैसा इसमें एक चम्मच घी डालिए और ये जो मिलेट का दलिया है सब्जी दाल डालकर बनाइए, रात के समय पीकर सोइए, आपको पूरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। आप कहते हैं प्रेगनेंसी में एक और कॉम्प्लिकेशन आती है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप रोटियों को खाना थोड़ा कम करिए और मिलेट के दलिये का सेवन ज्यादा करिए, बहुत आसानी से आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड निकलेगा। जितना हो सके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर कार्य करिए, अपने घर के अंदर अच्छे भजन चले, माँ के लिए जरूरी है कि वो रामायण देखे, महाभारत देखे, इस तरह के काव्य देखे, रामायण से सीखे कि जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, महाभारत से सीखे कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, गीता ज्ञान प्राप्त करे। ये स्पिरिचुअल चीजें हमारे देश में भारतीय संस्कृति में पहले बताई जाती थी, हमने खत्म कर दी है। मंदिर के अंदर करना, गौग्रास करना, गाय के ऊपर जो माथे के ऊपर या गले के ऊपर हाथ जो है अगर फेरने की हमारी सुविधा बन जाए, ऐसा कार्य जरूर करिए जब बच्चा आपके घर में है। आपको विश्वास नहीं होगा इससे कितना बड़ा संस्कार होने वाली संतान के ऊपर हो सकता है। बहुत बार देखा गया गायें आती हैं, नंदी आते हैं हमारे घर के बाहर आते हैं, हम सम्मान नहीं करते। आपके घर के बाहर नंदी और अगर गाय आने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम आपके घर के लिए हो नहीं सकता। जिन जिन घरों के आसपास ये सुविधा है, सुबह की गऊ ग्रास की रोटी जरूर निकालें, जो गर्भवती माँ है उसके हाथ से गाय के दर्शन करवाइए और गाय के ऊपर हाथ फेरिए। ये अकेला कार्य ऐसा है जो बच्चों में संस्कार के रूप में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, देश के अंदर अब होने वाली संतान केवल आपकी नहीं है, समाज और राष्ट्र के लिए भी उन्हें कल को बहुत बड़ा कार्य करना है। इस क्रूशियल टाइम को खराब नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए माँ को, गर्भवती माता को समय पे, कि बच्चे कल को जाके राष्ट्र और देश और समाज के लिए भी बहुत बड़े कार्य करना शुरू करें। जितना हमारे पास में जानकारी थी हमने अपनी क्षमता के अनुसार बताई है। फिर मैं बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के अंदर यूजली लोग कहते हैं कि अवॉइड करते हैं, कि क्यों बताते हो, डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम सही चीज़ नहीं बताएंगे तो लोग गलत चीज़ बता कर जाएंगे और हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। तो ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जैसा मैंने बताया जो मैं अपने घर में ऑलरेडी प्रेगनेंसी में ट्राई कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़कर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का पीरियड वाक्षी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक आता है। अगर आप उस समय से गुजर रहे होंगे तो चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम आपको प्रायोरिटी पे रख के आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपके घर में सब्जियां इंजेक्शन लगी हुई आ रही हैं, जहरीली आ रही हैं, दूध सिंथेटिक आप पी रहे हो, आपके खाने के अंदर 50-50% तक न्यूट्रिशन कम हो गया, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड इतना डाल दिया, और आप सोच रहे हैं कि गर्भवती माता जो है वो जो संतान आगे पैदा करने वाली है उसमें ताकत बचेगी, आप ये सोचिए सुबह से शाम तक हमने माँ को खिलाया क्या है। तो जितना कुछ आप खिला रहे हैं वो अंदर से खोखली चीजें हैं, और जब खोखली चीजें खिलाओगे तो संतान में ताकत कहां से आएगी। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, पास के ऑर्गेनिक स्टोर को स्टेबल करिए, जो भी आपके आसपास ऑर्गेनिक स्टोर है गूगल पे जाके सर्च करिए, वहां से चीजें लाइए और माँ को इस टाइम समय पर खिलाइए। प्रेगनेंसी से एक साल पहले माँ का डाइट रूटीन लाइफस्टाइल बहुत उत्तम हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं आगे जाके जीवन में समस्याएं नहीं है, नहीं तो समस्याएं आएंगी और जूझने के लिए भी हम सभी जिम्मेदार होंगे। इसी अपेक्षा के साथ भारत वंदे मातरम।